नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम जनाई। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों के साथ। अपोलो हॉस्पिटल ने मनाया इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी दिन। अहमदाबाद अपोलो हॉस्पिटल के द्वारा जिसमें मरीजों की सेफ्टी के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बात करें तो अपोलो हॉस्पिटल के द्वारा ब्रेन स्ट्रोक के मरीजों की सबसे पहला कोड वाइट प्रोटोकॉल लॉन्च किया गया है। आयोजन इस प्रोग्राम को संबोधित करते हुए FILMEI के प्रेसिडेंट श्री डॉक्टर राजेश भाई शाह ने बताया कि पेशेंट की सलामती को देखते हुए अलग अलग मापदंड होने के बावजूद भी इस विषय पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन हमारे अपोलो हॉस्पिटल के द्वारा मरीजों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गुजरात का सबसे पहला कोड वर्ड प्रोटोकॉल लॉन्च किया गया है। उनका कहना है कि WHO आरोग्य संस्था के रिपोर्ट के मुताबिक हेल्थ केयर की सेवा में की प्रक्रिया में पेशेंट को नुकसान होने की संभावना दर 300 में से एक दर्दी की होती है, जिससे दुनिया भर में मरीजों की सलामती का मूल्यांकन होना बेहद ज़रूरी है। मरीज की सलामती के मुद्दे पर जन जागृति लाने के लिए इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। हिंदुस्तान की आवाज़ न्यूज़ से बात करते हुए समय इमरजेंसी सेवा विभाग के हेड डॉक्टर संजय भाई शाह ने बताया कि भारत के अंदर हर 2 मिनट पर एक केस ब्रेन स्ट्रोक का देखा जा रहा है, लेकिन उसमें से 2 से 3% ही मरीज सही तरह से स्वस्थ हो पाते हैं। लेकिन हमारे इस वाइट प्रोटोकॉल को लॉन्च करने के उद्देश्य से न्यूरोलॉजिकल के परिणाम को सुधारना है और ब्रेन स्ट्रोक के कारण विकलांगता और लकवा जैसी बीमारियों से मरीज को बचाना है। ये हमारे मरीजों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। आगे इस प्रोग्राम को संबोधित करते हुए अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर विश्वदीप गोहिल जी ने कहा कि हमारा उद्देश्य मरीजों तक बेहतर सुविधाओं को लोगों तक जाना है, जिसका लाभ अधिक से अधिक लोग ले सके। और बताया कि हमारे हॉस्पिटल के कर्मचारियों को इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि हमारे कर्मचारी हॉस्पिटल के स्टाफ आए हुए मरीजों का बेहतर तरीके से ध्यान रख सके। जो इस बात की खास, हमारे हॉस्पिटल के स्टाफ को गुणवत्ता ट्रेनिंग के द्वारा रखा जाता है और हर ट्रेनिंग में मरीजों को किस तरह से अधिक लाभ मिल सके इस बारे में खास ध्यान रखा गया। तो वहीं मित्रों, और मरीजों की सलामती पर विशेष भार दिया जाता है। इस प्रोग्राम में विविध अलग अलग हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और अलग अलग संस्था के लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है।